सेंट थॉमस स्कूल में जजेस या राम के नारे लगाने के बाद बच्चों को जमीन में गाड़ने की वहीं के पढ़ने वाले छात्र ने दी धमकी। मंदसौर के मोहनी मच मार्ग सितामो फाटक स्थित सेंट थॉमस स्कूल में 2 से 3 दिन पहले जजेस या राम के नारे लगाने के बाद बच्चों को जमीन में गाड़ने की वहीं के पढ़ने वाले छात्र ने धमकी दी, जिसकी शिकायत स्कूल प्रशासन को भी लिखित में बच्चों द्वारा की गई थी। और आज हिंदू संगठन के लोगों ने सूचना मिली उसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग सेंट थॉमस स्कूल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना विरोध जताया और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जिस छात्र ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें कोतवाली थाने की पुलिस, नयाबादी पुलिस एवं नयाबादी थाना प्रभारी एवं CSP सतनाम सिंह मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। स्कूल प्रशासन एवं हिंदू संगठन के लोगों से चर्चा की और कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सेंट थॉमस स्कूल की PRO संगीता रावत ने बताया कि इसकी सूचना आपके माध्यम से ही पता लगी है और जिस छात्रा ने इस तरह की धमकी दी है इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाएं लगातार मंदसौर जिले में कुछ जो स्कूल संचालित हो रहे हैं वहां पर सुनने को मिल रही है। इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। जिम्मेदारों को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती है। हिंदू नेता हेमंत बुलचंदानी ने बताया कि समीर मंसूरी नामक छात्रा ने इस तरह की धमकी दी है, जिससे स्कूली छात्र काफी डरे हुए हैं। स्कूल प्रशासन भी डरा हुआ है। आज मंदसौर में एक मिशनरी स्कूल है सेंट थॉमस, उस स्कूल में 2-3 दिन पहले एक स्पोर्ट्स डे का कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों ने खुशी से जय श्री राम के नारे लगाए थे। उस नारे लगाने में कुछ मुस्लिम लड़कों ने, जो इस स्कूल में पढ़ते हैं और इस स्कूल में उनकी 20-21 साल की उम्र हो गई और अभी तक वो 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, हर क्लास में 1 साल 2 साल वो फेल होते हैं, उन लड़कों ने छोटे बच्चों को, जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे थे, उनको धमकाया कि अगर तुमने इस स्कूल में और यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाए तो मैं तुम सबको ज़मीन में गाड़ दूँगा। और उससे काफ़ी बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं वो डरे हुए थे। उन बच्चों को जय श्री राम नारा लगाने के बाद स्कूल प्रशासन ने 2 से 3 घंटे धूप में खड़ा रखा और उनको डांटा फटकारा। हम उसका विरोध करने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद, महाराणा संघ, हम सब स्कूल आए थे और मैडम से इसको लेके, और जो लड़के ने इस प्रकार की बच्चों से धमकी दी है उसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाए, उसको स्कूल से निकाला जाए, इसको लेकर हमने मैडम और जिम्मेदारों ने बताया है कि जिन बच्चों को इन्होंने धमकी दी थी उन बच्चों ने भी शिकायत करी है लिखित में। हम लोगों ने भी अपनी तरफ से स्कूल को आवेदन दिया है, स्कूल प्रशासन ने भी देखा, वो भी स्कूल प्रशासन भी घबराया हुआ है उस लड़के से कि उसने जो धमकी दी है, उनको भी डर है कि कहीं वो लड़का गलत एक्शन ना ले, इसको लेके वो भी प्रशासन से बात करेंगे। और जिनके खिलाफ उसने धमकी दी है हमने कहा है कि उन बच्चों को भी समझाओ, कई बच्चों में डर का माहौल बना। जो लड़के ने इस तरह का बयान जारी किया उसके लेकर कोई सबूत वीडियो वगैरह? उसके वीडियो हैं, और जो छोटे बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं वो झूठ नहीं बोलते हैं, जिनको उसने बोला है उनको पता है और स्कूल प्रशासन को भी मालूम है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर ठीक नहीं है। क्या नाम है जिसने बोला? समीर मंसूरी। समीर मंसूरी नाम है। कुछ नहीं है, कोई 7 के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, समीर करके जो लड़का है उसने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया था जो नहीं करना था, और इस वजह से जो दूसरा लड़का है उसने उस पर ऑब्जेक्शन लिया, जिस पर से आज विश्व हिंदू परिषद के कुछ पदाधिकारी आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक आवेदन दिया है यहाँ के प्रिंसिपल साहब को और उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? हाँ, अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, स्कूल से निकालेंगे। जी सर, अभी ये इस तरह से जब सारे लोग इकट्ठा होके आए तभी हम लोगों को पता चला, इनफैक्ट आपके फ़ोन से जो भी कुछ हुआ था, एक समीर नाम का बच्चे ने अगर किसी बच्चे को एक डराया है ऐसा वो बच्चा बोल रहा है, पर उसने हमें प्रिंसिपल या किसी टीचर को आके नहीं बोला, वो गेट के बाहर ही उसने आपस में डिस्कस करी होगी और वो बात हमें एक दिन बाद में पता चली। तो जैसी सिस्टर को पता चली उसके अगेंस्ट में उन्होंने पेरेंट्स को बुलाकर दोनों बच्चों के पेरेंट्स को सिस्टर ने फ़ोन लगाकर और जानकारी उनको दी और उस बारे में बच्चों को दूर रहने के लिए सलाह दी है। उस बच्चे पर कार्रवाई की जाएगी, स्कूल से निकाला है? बिल्कुल, अभी उन लोगों ने जो आए थे संगठन के लोग उन लोगों ने लिखित में दिया है और सिस्टर अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। जिन बच्चों को डराया गया था उन लोगों ने लिखित में स्कूल प्रशासन को दिया हुआ है? एक्चुअली वो टीचर को नहीं बताया या प्रिंसिपल को नहीं बताया है, तो वो संज्ञान में लेने के लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए हमें एक दिन का वक्त लगा है। तो जैसे ही हमारे PTI सर और इन लोगों को पता चला है तो उन बच्चों से बात करी है और इसीलिए ये कार्रवाई आगे कर रहे हैं।
वासियों से और पालकगणों से निवेदन है कि इन छोटे बच्चों को इस तरह के वाक्या से दूर रखें, और अगर बच्चे इस तरह से वाइब्रेट होते हैं तो उनको थोड़ा सा शांति बनाए रखकर उनके जीवन को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करें। ये इस तरह की जो लहर चल रही है, इससे हम शिक्षा के स्थानों को दूर रखने का पूरा प्रयास करते हैं शिक्षण सारे स्कूल वाले, और इसी तरह से हम लोग पालकगणों से भी यही विनती करते हैं और संगठन से भी यही विनती करते हैं कि आप लोग अपना कार्रवाई करें, लेकिन सुरक्षा बच्चों की और स्कूल को बनाए रखें। सर, थैंक यू।